बहुत दिन पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब मजदूर रहा करता था। वह गांव पहाड़ों और घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था, इसलिए अक्सर जंगलों में रहने वाले डाकू रात के समय इस गांव पर धावा बोल दिया करते थे। डाकुओं को गांव माँ पिताजी को गए बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक नहीं आए, कब आएंगे? बेटा तेरी जो शादी भी करनी है उसके लिए धन कमाने गए हैं, आ ही जाएंगे दो चार दिन में। माँ पापा की बहुत याद आती है, पापा के बिना घर सोना सोना लगता है माँ। अरे चंपा की माँ, देखो बाहर कौन आया है। बेटी चंपा देखो ना बाहर जाकर, लगता है तेरे पापा आ गए हैं। तेरे पापा किसी आवाज सुनाई दे रही है, जाकर तो देखो। पापा आप आ गए, मैं आप ही को याद कर रही थी। हाँ बेटी मैं आ गया हूँ। आओ पापा अंदर चलो। स्वामी आप आ गए। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे जाने के बाद आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ये लो इसमें 500 रुपये हैं, अपनी बेटी चंपा की शादी में काम आएंगे। ठीक है स्वामी। एक व्यापारी शहर जा रहा था, लेकिन चलते चलते उसी गांव में रात हो जाती है, इसलिए उसने रात उसी गांव में गुजारने का निश्चय किया। आज मुझे इसी गांव में रुक जाना चाहिए, मेरे पास बहुत सारा धन है, हो सकता है रास्ते में चोर लुटेरे लूट ले। अरे अंदर कोई है क्या? हाँ क्या बात है? मैं शहर जाने के लिए आया था लेकिन यहीं पर रात हो गई, क्या तुम अपने घर में मुझे रात गुजारने को जगह दे सकते हो? मजदूर भला आदमी था, उसने घर आए मेहमान का स्वागत करते हुए कहा, क्यों नहीं भैया आइए, ये तो आप ही का घर है, आप यहां रात गुजार सकते हो। मजदूर ने अपने घर का रूखा सूखा खाना बड़े आदर और सम्मान से व्यापारी को परोसा, फिर उसके सोने का प्रबंध कर दिया। आधी रात्रि के समय शोर सुनकर व्यापारी की आंखें खुल गई, उसने देखा घर का मालिक खातों में एक पोटली लिए इधर उधर बड़ी बेचैनी से चक्कर काट रहा है। व्यापारी ये माजरा नहीं समझ पाया और उसने उत्सुकता से किसान से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? साहब गांव में डाकुओं ने धावा बोल दिया है, मैंने बहुत मेहनत से 500 रुपये कमाए हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए बचाकर रखे हैं, मुझे डर है कि ये रुपये डाकू ले जाएंगे, मुझे आप ही बताइए क्या करना चाहिए। अरे भाई इसमें इतना सोच विचार करने की क्या बात है, जल्दी से सामने गड्ढा खोदकर अपने धन की पोटली उसमें छुपा दो। किसान ने व्यापारी की बात मान ली और गड्ढा खोदकर धन की पोटली छिपा दी। थोड़ी देर में 4 डाकुओं का दल किसान के मकान में घुस आया। अपना सारा धन चुपचाप हमारे हवाले कर दो। मैं तो एक गरीब किसान हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूं। ये किसान बहुत चतुर बन रहा है, आप लोग इसके घर की तलाशी लो। इससे पहले
कि डाकू घर की तलाशी लेना शुरू करें। व्यापारी बोला, मैं बताता हूं साहब, इसने अपना धन कहां छुपाया है। फिर व्यापारी ने सामने इशारा करते हुए कहा, आप लोग वहां खोदे। आनन फानन में डाकुओं ने वो जगह खोद डाली। कुछ खोदने के बाद डाकुओं को वो धन की पोटली मिल गई। आप तो बड़े झूठे हो, आपको शर्म नहीं आती? तुमको अपने प्राणों की परवाह नहीं है क्या? अब तो हम जा रहे हैं, ध्यान रखना, आगे से कभी हम आए तो ऐसे झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। शुक्र करो तुम्हारे प्राण नहीं लिए। मुझे लगता है आप भी डाकुओं से मिले हो। मैंने आपको घर में आश्रय दिया और मेरे साथ विश्वासघात किया। आपने ही धन छुपाने की सलाह दी और आपने ही डाकुओं के धन बता दिया। आप अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। भाई अब मेरी बात सुनो, मैंने डाकुओं को तुम्हारे धन का पता बताकर तुम्हारे साथ अपने को भी भारी नुकसान होने से बचाया है। जानते हो, अगर डाकू तुम्हारे घर की तलाशी लेते तो उनके हाथ मेरी वो पोटली हाथ लग जाती, जिसमें 2500 नगद और सोने के कुछ जेवर हैं। अच्छा, अपने धन को बचाने के लिए आपने मेरे धन को डाकुओं को बता दिया। आप बड़े स्वार्थी इंसान हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ऐसा नहीं है भाई, आपकी पोटली का पता बताकर उनका ध्यान उस ओर कर दिया और घर की तलाशी नहीं ली। आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा, इसकी आप चिंता मत करो। आप कैसे भरपाई करोगे मेरे पैसों की? ये लो भाई 600 रुपये, 500 रुपये तो आपके और 100 रुपये मेरी ओर से तुम्हारी बेटी की शादी के लिए। भैया आप मुझे क्षमा करना, आपको जो मैंने गलत समझा और भला बुरा कहा, आप तो बहुत बुद्धिमान चतुर और दयालु आदमी हो। भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करना भैया।